अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सबके सब जो हैं बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज जो हमारे इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है वो है काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। तो सबसे पहले बात करते हैं हम काउंटेबल नाउन्स के ऊपर। तो सबसे पहले ये कहा गया कि मोस्ट नाउन्स आर काउंटेबल नाउन्स, के ज़्यादातर नाउन्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं, वो काउंटेबल नाउन्स होते हैं, जिन्हें शॉर्ट में कहा जाता है काउंट नाउन्स। ठीक है, लिखा भी हुआ है और काउंट नाउन्स फॉर शॉर्ट। दूसरी लाइन में क्या कहा गया, वी कॉल देम काउंटेबल नाउन्स, हम इन्हें काउंटेबल नाउन्स इसलिए कहते हैं बिकॉज दे आर वर्ड्स, क्योंकि ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं फॉर पीपल, एनिमल्स, प्लेसेस और थिंग्स डैट वी कैन काउंट। यानी वो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि लोगों के लिए, जानवरों के लिए, चीज़ों के लिए, जगहों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर बताऊं इस स्लाइड के अंदर क्या बात समझ में आई, एक बात ये समझ में आई कि काउंटेबल नाउन्स को शॉर्ट टर्म में हम बोलते हैं काउंट नाउन्स, और दूसरी बात ये समझ में आई कि काउंटेबल नाउन्स ऐसे वर्ड्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं जो कि काउंट कर सकते हैं, जिन्हें हम गिन सकते हैं। जैसे पीपल की बात की गई है तो लोगों को हम गिन सकते हैं, एनिमल्स को हम गिन सकते हैं, प्लेसेस को गिन सकते हैं, थिंग्स को गिन सकते हैं। तो आई होप काउंटेबल नाउन्स आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, मिसालों से मजीद समझने की कोशिश करते हैं। दीज आर आल्सो काउंटेबल नाउन्स। मिसाल के तौर पर बुक्स, बुक्स को हम गिन सकते हैं, दैट्स वाई काउंटेबल नाउन है। कंप्यूटर, इसको भी गिन सकते हैं। विलेज, अच्छा यहाँ पे विलेज का मतलब क्या होता है, गांव। लेकिन गूगल पे मैंने सर्च किया क्योंकि मैं भी कंफ्यूज था कि विलेज कैसे काउंटेबल नाउन है। विलेज के जो डेफिनेशन आती है वो ये होती है कि ग्रुप ऑफ हाउसेज को कहा जाता है विलेज। शहरों के अंदर ग्रुप नहीं होते, काफ़ी बड़ा एरिया होता है घरों का, दैट्स वाई कि वो ग्रुप कंसिडर नहीं किया जाता। लेकिन गांव के अंदर लिमिटेड घर होते हैं जिन्हें गिना जा सकता है, दैट्स वाई के उसे विलेज कहा जाता है। तो विलेज जो है वो भी काउंटेबल नाउन होगा। ठीक, इसी तरह चिल्ड्रन, बच्चे भी गिने जा सकते हैं तो वो भी काउंटेबल नाउन होगा। आगे चलें तो मज़ीद वर्ड्स हैं जिससे आप अच्छे से इस बात को क्लियर कर लेंगे। कैरेट्स, गाजरें जो है उन्हें भी गिना जा सकता है। एक्स, कुल्हाड़ा, बर्ड, परिंदा, कैलकुलेटर, कैमरा, क्लॉक, डॉलर यानी पैसे, उसके अलावा वॉल, सर्कस, सर्कस में भी गिना जा सकता है बिकॉज लिमिटेड स्पेसिफिक पर्सन्स या एनिमल्स होते हैं जो कि सर्कस के अंदर काम कर रहे होते हैं। तो सोफ़ा, फिश, फॉक्स, प्यूपिल और इसके अलावा पांडा, एरो, यानी ये सब वो चीज़ें हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, आसान से बात ही। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स पे। तो इसमें क्या कहा गया है कि सम नाउन्स आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स, ज़्यादातर जो होते हैं नाउन्स कौन से होते हैं, काउंटेबल होते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं वो अनकाउंटेबल भी होते हैं जिन्हें अनकाउंट नाउन्स कहा जाता है शॉर्ट के अंदर। ठीक है, तो आगे चलें तो वी कॉल देम अनकाउंटेबल नाउन्स, हम इन्हें काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स इसलिए कहते हैं बिकॉज, क्योंकि दे आर वर्ड्स, ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि फॉर थिंग्स डैट यू कांट काउंट, यानी कि ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि आप गिन नहीं सकते। आसान सी बात है, आसान लफ्ज़ों में दोबारा बताऊँ तो ऐसी चीज़ों के लिए जो वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं जिन्हें गिना नहीं जा सकता उन्हें अनकाउंटेबल नाउन्स कहा जाता है। मिसाल के तौर पर ग्रास, घास को हम गिन नहीं सकते, दैट्स वाई अनकाउंटेबल नाउन है। वुड, लकड़ी, लकड़ी का मतलब पीस ऑफ वुड यानी लकड़ी का एक टुकड़ा। तो लकड़ी का एक टुकड़ा जैसे कि नजर आ रहा है ये वुड है, लेकिन आप गिन तो नहीं सकते इसके अंदर वुड की कितनी मिकदार है। ठीक, इसी तरह रेन आप नहीं गिन सकते, सैंड, मट्टी जो है उन्हें भी आप नहीं गिन सकते, तो ये सारे अनकाउंटेबल है। मजीद वर्ड्स की बात करूँ तो ब्लड जो है वो भी अनकाउंटेबल है। ब्रेड, बटर, चीज़, कॉफ़ी, डस्ट, गोल्ड, आइस, आयरन, जैम, मेटल, मिल्क, टी, साल्ट, राइस, पाउडर, पेपर, ऑयल, पेपर को भी नहीं गिन सकते आप। ये एक दो पेजेस को तो गिन सकते हैं, लेकिन पेपर का मतलब ये होता है, पेपर एक ऐसे मटेरियल को कहा जाता है जिसके ऊपर लिख सकते हैं। तो अगर इंडिविजुअल एक पेपर को देखें तो पेपर की मिकदार हम मैयर कर सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते। तो जो चीज़ डाउटेड हैं, आपको समझ में नहीं आ रही, उन्हें रहने दीजिए। लर्निंग की अच्छी बात ये होती है कि जो चीज़ समझ में नहीं आ रही उनको वहीं पे छोड़ दो, जो चीज़ समझ में आ रही है उसको लेके आगे बढ़ते रहो, क्योंकि कुछ सवालात के जवाब मुझे भी अभी समझ नहीं आ रहे, आगे चलेंगे तो समझ में आएंगे। लाइफ लर्निंग का नाम है, तो अगर आप इंग्लिश सीख रहे हो तो सीखते चले जाओ, इरिटेट नहीं होना कि ये चीज़ समझ में आई, ये नहीं, आगे क्या होगा। जब ज़्यादा आगे तक चले जाएंगे तो काफ़ी चीज़ों के क्वेश्चंस आगे जाके पैराग्राफ्स में मिलने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे बेसिकली यही बताने का मकसद था कि काउंटेबल जो गिने जा सके, अनकाउंटेबल जिन्हें गिना ना जा सके। एक्सरसाइज आप सॉल्व कर सकते हो, ये पूरी एक एक्सरसाइज है, एक बार पढ़ देता हूँ, वर्ड की मीनिंग बता देता हूँ ताकि वो स्टूडेंट्स जिनकी वोकैबुलरी थोड़ी सी वीक है उन लोगों की वोकैबुलरी इंप्रूव हो जाए। देयर आर लॉट ऑफ मॉस्किटोज हेयर, वहाँ बहुत सारे मच्छर्स हैं। ठीक है,
वहाँ बहुत सारे मच्छर हैं, ठीक है। आई डो नॉट हैव मच मनी, मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है। ही इज़ ड्रिंकिंग अ लॉट ऑफ वाटर, वो बहुत ज़्यादा पानी पी रहा है। उस्मान हैज़ टू मैनी स्टैम्प्स, स्टैम्प्स उस्मान मोहरें, स्टैम्प्स का मतलब इस उस्मान के पास बहुत सारी जो है वो मोहरें हैं। अक्सा हैज़ थ्री बलून्स, अक्सा के पास तीन बालून हैं, या अक्सा तीन बालून्स गुब्बारे रखती हैं। और इसके अलावा आ जाएगा देयर इज़ नॉट मच फूड लेफ्ट, ज़्यादा फूड जो है बाकी नहीं बचा, ज़्यादा खाना बाकी नहीं बचा। शी केप्ट अ फ्यू चिकन्स, सिर्फ कुछ मुर्गियाँ बची हैं। तो यानी कि इसमें क्या करना है आपने, आज इन सेंटेंसेस के अंदर जिनके अंदर काउंटेबल नाउन इस्तेमाल हुआ है, आप उस सेंटेंसेस को हाईलाइट कर देंगे कि ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, और इनके अंदर कौन से वर्ड्स काउंटेबल हैं और कौन से अनकाउंटेबल हैं उन्हें हाईलाइट कर देंगे। तो आप यहाँ पे वीडियो को रोक के इसको अपनी प्रैक्टिस कर लीजिए, एंड में तो मैं बताऊँगा ही बताऊँगा। अगली एक्सरसाइज जो है आप लोगों के सामने, इसमें क्या करना है, इसमें ये सारे चीज़ें आपको दिखाई गई हैं, इन चीज़ों में से आपने देख के बताना है कि कौन सी काउंटेबल है और कौन सी अनकाउंटेबल है। तो ये भी आप रोक के इसके प्रैक्टिस कर लीजिए। लास्ट में मैं आपको बता दूंगा थर्ड एक्सरसाइज है, इसके अंदर आपने क्या बताना है कि ये जो वर्ड्स लिखे हुए इनके सामने लिखना है कि कौन सा काउंटेबल कंसीडर किया जाता है, कौन सा अनकाउंटेबल समझा जाता है, ठीक है। तो ये भी लास्ट में पता चल जाएगा। इधर क्या बताया गया है, इस एक्सरसाइज के अंदर ये बताया गया है कि सर्कल एनी अनकाउंटेबल नाउन यू कैन फाइंड इन दिस स्टोरी, यानी एक कहानी है इसको पढ़िए और सर्कुलेट कर लीजिए जो अनकाउंटेबल नाउन्स है। तो ये चार एक्सरसाइज आप कर लीजिएगा, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आंसर अगर मैं बताऊँ तो जो पहली एक्सरसाइज थी उसमें मच्छर जो है उन्हें गिना जा सकता है, दैट्स वाई कि ये काउंटेबल हो गया, इसलिए सेंटेंस भी काउंटेबल कहलाया। इसी तरह मनी, अब मनी गिनी जा सकती है, लेकिन मच मच का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा, जबकि मैनी का मतलब होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन मैनी वहाँ इस्तेमाल किया जाता है जिनको गिना जा सके, मच वहाँ इस्तेमाल किया जाता जा सकता है जहाँ गिनना मुश्किल हो, ठीक है। जैसे मच शुगर, मच वाटर इस्तेमाल हो सकता है, तो मैनी शुगर मैनी वाटर इस्तेमाल नहीं होता। तो क्योंकि काफ़ी सारी अमाउंट की बात की जा रही है जिन्हें मच क्योंकि रिप्रेजेंट कर रहा है कि गिना नहीं जा सकता, दैट्स वाई कि ये अनकाउंटेबल कंसिडर किया जाएगा, इसीलिए अनकाउंटेबल है। इसी तरह वाटर गिना नहीं जा सकता, अनकाउंटेबल है। स्टैम्प्स गिनी जा सकती हैं, काउंटेबल है। बलून्स गिने जा सकते हैं, काउंटेबल है। फूड खाना जो है वो गिना नहीं जा सकता, इसलिए अनकाउंटेबल है। चिकन्स गिनी जा सकती हैं, काउंटेबल है। चीज़ों की बात करूँ तो अब यहाँ पे जो ब्लैक कलर से आपको नज़र आ रही हैं वो अनकाउंटेबल है, और जो इस कलर से नज़र आ रही हैं आपको वो रेड टाइप कलर से नज़र आ रही है वो काउंटेबल नाउन्स हैं। तो आप देख लीजिए, चीज़ गिनी नहीं जा सकती, ब्रेड गिनी नहीं जा सकती, कॉफ़ी नहीं गिनी जा सकती, स्पून्स गिने जा सकते हैं, नाइफ गिनी जा सकती हैं, पोट गिने जा सकते हैं, प्लेट्स भी गिनी जा सकती हैं, ये नहीं गिनी जा सकती, तो इसका ये अनकाउंटेबल नाउन कहलाएगा। इसी तरह ये तीसरी एक्सरसाइज थी, इसके आगे मैंने यहाँ पे लिख दिया है आप चॉकलेट्स काउंटेबल नाउन है, और ये पता नहीं जो भी वर्ड है इसको पढ़ लीजिएगा, प्रोनाउंस कर लीजिएगा, ये भी काउंटेबल है। इसके अलावा सैंडल्स जो, ये भी काउंटेबल है। प्रेजेंट, ये भी काउंटेबल है। और प्रेजेंट का मतलब होता है, यहाँ पे प्रेजेंट एक तो होता है मौजूदा वक्त, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट का मतलब होता है कि चीज़ें, ठीक है, तो वो कंसिडर किया जाए, दैट्स वाई के गिनी जा सकती हैं। इसके अलावा मैगजीन, ये भी काउंटेबल है। कुछ गलतियाँ मेरी भी हो सकती है, लेकिन आज इन वर्ड्स को जैसे मैं छोड़ गया, प्रोनाउंसिएशन करना चाहते हैं, तो आज से, क्योंकि इंग्लिश सीखनी है आपने, आज से अपने मोबाइलों के अंदर गूगल ट्रांसलेटर की ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जो वर्ड पढ़ने नहीं आ रहे उनको वहाँ टाइप कीजिए, स्पीकर का बटन दबाइए, वो आपको बोलना बता देगा। जिनके मीनिंग नहीं आते वो आपको वहाँ पे वर्ड टाइप करिए, आपको मीनिंग बता देगा। तो सिर्फ मैं आपके लिए रास्ता बनाना चाह रहा हूँ कि ऐसे करके आगे आओगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, बाकी मेहनत तो आपने खुद ही करनी है। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।